दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी गाड़ी के नंबर से आप उस गाड़ी के बारे में सारी डिटेल्स कैसे निकाल सकते हैं। इस ट्रिक का इस्तेमाल आप बहुत सारी जगहों पे कर सकते हैं। और सबसे पहली जगह कि आप अपने दोस्तों या फिर अपने घर में या फिर अपने रिलेटिव के बीच में अपना काफ़ी अच्छा खासा इंप्रेशन जमा सकते हैं कि आप किसी भी गाड़ी का पूरी डिटेल्स आप निकाल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में। और दूसरी जगह, जब भी आप कोई अगर कभी इन फ्यूचर कभी भी आप कोई पुराना सेकेंड हैंड कोई भी गाड़ी खरीदते हैं तो आप उस गाड़ी के नंबर से ही पता लगा सकते हैं कि ये गाड़ी आखिरकार कब खरीदी गई थी, इसका रजिस्ट्रेशन कब का है, इसमें अब तक कितने चालान कट चुके हैं और इस गाड़ी की एग्जैक्ट उम्र क्या है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका मेरे चैनल के एक नए और फ्रेश कमाल धमाल वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से यम परिवहन का ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने डाउनलोड पहले से किया हुआ है। तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। तो ये इसके बाद एक ऐड शो होगा, इसको आपको कट कर देना है और ओके कर देना है। और यहाँ पे आप कई सारे ऑप्शन देख पा रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है डैशबोर्ड, RC डैशबोर्ड, DL डैशबोर्ड। तो आप अगर नंबर से पता लगाना चाहता है गाड़ी के, तो यहाँ पे सर्च बार के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप उस गाड़ी का नंबर यहाँ पे टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पे आप सर्च के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको उस गाड़ी की सारी डिटेल्स शो होने लगेंगी। जैसे यहाँ पे नंबर डालने के बाद जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होगा, यहाँ पे थोड़ा वक्त लेगा, करीब 5-6 सेकंड का। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। तो दोस्तों ये हमारा मस्तना गाड़ी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पापा का नाम आ चुका है, निहाल कुमार बोस। और यहाँ पर आप सारी इसकी डिटेल देख सकते हैं, इसको कब लिया गया था, इसका रजिस्ट्रेशन कब का है और इसका उम्र कितना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शायद 3 साल 9 महीने इसकी उम्र हो चुकी है, लगभग 4 साल को इसको पूरे होने को है। और अगर दोस्तों यहाँ पे नीचे जो व्यू चालान का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं इस पर कोई चालान है या नहीं। जैसे कि नहीं है तो यहाँ पे आपको ऐसा शो होगा, अगर होगा तो किसी दूसरी तरह से आपको शो होगा। तो इसी तरह से आप किसी भी नंबर से उसके गाड़ी के सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं दूसरे यहाँ पर डाल देता हूँ नंबर, तो यहाँ पर जैसे डालने के बाद यहाँ पर फिर से लोडिंग हो रहा है। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे किसी दूसरे आप चाहे जो भी नंबर डालेंगे उसके सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। जैसे कि मुझे नहीं पता है कि कौन है, तो यहाँ पे उसके नंबर डालें और इसके सारे डिटेल आ गए। तो इस तरह से आप करके कुछ भी यहाँ से पता लगा सकते हैं उस गाड़ी के बारे में। तो इसके बाद यहाँ पे आपको ये कि DL डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलता है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ से उसका नंबर डाल के उस ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में सारी डिटेल्स ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी और काफ़ी ज़्यादा काम की लगी होगी। अगर लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल आए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ।